तो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे DOE यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड किए गए एक लेटेस्ट और न्यू ऑर्डर के बारे में जो कि 1/7/2022 डेट का है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया टोटल ये 11 पेज का है PDF। यहाँ पर सब्जेक्ट में मेंशन किया गया है, लिखा है एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट गाइडलाइंस फॉर क्लासेस 3rd-9th and 11th एकेडमिक सेशन 2022-23 यानी 2022-23 का जो पेपर होना है क्लास 3rd-9th and 11th का, उनको ध्यान रखना है। काफ़ी चेंजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि 80 नंबर का पेपर बताया जा रहा था कि 80 नंबर का पेपर होगा, बट मिड टर्म और फाइनल यहाँ पर चेंज हो गए हैं, उनकी जो मार्किंग है अलग अलग हो गई है, मिड टर्म का भी नंबर ऐड होगा और फाइनल का भी ऐड होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पूरा प्रोसेस देख लीजिए। यहाँ पर क्लास 10th and 12th के लिए किसी बात का मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि उनका बोर्ड का पेपर है, तो जो प्रोसेस है उनका सेम वही है। ठीक है, तो फटाफट देख लो मेन मेन चीज़ें। आप यहाँ पर मेंशन किया गया है, लिखा गया है मिड टर्म एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सितंबर अक्टूबर, यानी जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा न्यू सेशन 2022-23 का 2022-23 का सितंबर अक्टूबर में होगा। कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन फरवरी मार्च, और फरवरी मार्च में फाइनल पेपर होगा आपका। ठीक है ना, ध्यान रखना जो क्लास 3rd-9th and 11th के बच्चे हैं उनका केवल मिड टर्म और फाइनल पेपर होगा, प्री बोर्ड नहीं होगा, प्री बोर्ड केवल क्लास 10th and 12th का होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इनका क्या होता है, इनका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, इसीलिए इनका प्री बोर्ड होगा फाइनल पेपर से पहले, बाकी 9th-11th के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लो, और यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो पैसेज बेस्ड यानी एक पैसेज होगा, नीचे MCQ टाइप में क्वेश्चन होंगे, सोर्स बेस्ड होगा, ठीक है, 40% क्वेश्चन, क्लियर है, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 20%, उसके बाद में शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 40%। ठीक है, ये क्लास 3rd-9th के लिए, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th के लिए। क्लास 11th की बात करें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQ टाइप में क्वेश्चन कितने होंगे, 30%, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20%, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 50%। ठीक है, ये क्लास 11th के लिए, और ये 3rd-9th के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब पैसेज वाइज, ठीक है ना, पैसेज होगा और नीचे ऑप्शन में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आगे देखो, आगे देख लो एक बार, यहाँ पर मेंशन किया गया है टर्म वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स, पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स फर्स्ट टर्म में, मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स का होगा, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, सब्जेक्ट टाइप में जो होगा 5, ठीक है ना, प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह, उसके बाद में मिड टर्म जो एग्ज़ाम होगा आपका 30 मार्क्स का होगा, टोटल इसको ऐड करेंगे तो ये 20 का हो जाएगा, ये 30 कितना हो जाएगा, 50, और इसी प्रकार सेकेंड टर्म में भी यानी फाइनल में भी पीरियोडिक टेस्ट 5, मल्टीपल असेसमेंट्स 5, इसी प्रकार यहाँ पर मेंशन किया गया टोटली हो जाएंगे 20, और जो एनुअल एग्ज़ाम होगा वो 30 का, तो 20+30 कितना हो जाएगा, 50, तो 50 कितना हो जाएगा, 100, मतलब टर्म 1 का भी मार्क्स ऐड होगा, टर्म 2 का भी, ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, आगे देखो, आगे यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट 40, पीरियोडिक टेस्ट 10, मल्टीपल असेसमेंट 10, पोर्टफोलियो 10 और एक्टिविटीज 10, तो यहाँ पर इसमें तो चेंजिंग हो सकती है, यहाँ पर फोकस मत करो, आगे देखो। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर मेंशन किया गया है टर्म वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 9th, यहाँ पर लिखा है पीरियोडिक टेस्ट जो होगा आपका 5 मार्क्स का होगा, मल्टीपल असेसमेंट 5, मतलब जो ऊपर मेंशन किया गया वही सेम है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये टोटल कितने को जाएंगे आपके, 20,
और उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया कि मिड टर्म एग्ज़ाम 30 नंबर का होगा, एनुअल एग्ज़ाम 50 का होगा। ध्यान रखना मिड टर्म एग्ज़ाम जो आपका है 30 नंबर का हो रहा है, 30 नंबर का पेपर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और जो एनुअल एग्ज़ाम होगा वो 50 नंबर का होगा। अभी तक क्या था कि 80 नंबर का बताया गया था, बट ऐसा नहीं है, चेंजिंग यहाँ पर हो चुकी है। ये केवल 3rd, 2th, 9th and 11th के लिए ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर 10th और 12th से कोई मतलब नहीं है, उनका पेपर सेम 80 नंबर का ही होगा, ठीक है। आगे देखो तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। अगर मान लो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के हिसाब से थ्योरी 20 नंबर की हो जाएगी मिड टर्म में, और प्रैक्टिकल 20 नंबर का तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 40, ठीक है। और एनुअल एग्ज़ाम फाइनल में थ्योरी 30 नंबर की होगी, प्रैक्टिकल 30 नंबर का ही हो जाएगा 60, तो 40 60 कितना हो जाएगा, 100। तो कहने का मतलब टोटल मिड टर्म का भी नंबर आपका ऐड होगा, पीरियोडिक टेस्ट भी ऐड होगा, असेसमेंट का भी होगा। सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझना है और करते रहना, ताकि आप आसानी से पास हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस क्लास 9th के लिए लिखा हुआ है। आगे देख लो क्लास 11th के लिए, और यहाँ पर ग्रेडिंग स्केल लिखा हुआ है। अगर 91 to 100 के बीच में है तो A1 मिलेगा ग्रेड, इसी प्रकार 81 90 के बीच में है तो A2 ग्रेड मिलेगा। यहाँ पर प्रोसेस लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये तो क्लास 6 7 8 में भी ऐसा ही ग्रेड मिलता है, रिजल्ट में आपको पता है, ठीक है ना, रिजल्ट आप देखते होगे। आगे देखो ये क्लास 11th के लिए है, टर्म वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 11th, यहाँ पर मेंशन किया गया है थ्योरी 20 की होगी मिड टर्म में, प्रैक्टिकल 10 का, कितने का हो गया ये 30 नंबर का। उसी प्रकार एनुअल में थ्योरी 50 नंबर की होगी 50 की, प्रैक्टिकल 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ पर 70 और ये 20 10 30 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल के साथ है तो यहाँ पर प्रोसेस अलग है, थ्योरी 10 की प्रैक्टिकल 20 का, थ्योरी मिड टर्म में ऐसा होगा, और एनुअल में थ्योरी 20 नंबर की होगी, प्रैक्टिकल 50 का, टोटल यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस किसके लिए है, क्लास 11th के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अच्छे समझना है। ज़्यादा डिटेल के लिए अपने स्कूल टीचर से एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, वो भी अच्छे से आपको समझा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।